दीन नहीं पढ़ा तो पढ़ो, क्यों दीन के खिलाफ तुम बातें करते हो बैठकर? नहीं जी, हुजूर तो रहमतुल्लिल आलमीन है। हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन ही तो है कि फ्रांस वाले अभी खिंजीर और बंदर नहीं बने। हाँ, वरना हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ने वाले बंदर और खिंजीर बन गए तो अभी तक ये क्यों नहीं बने? ये रहमतुल्लिल आलमीन ही है। हाँ जी, वही रहमतुल्लिल आलमीन महबूब नहीं फरमा रहे कि कत्ल कर दो इसको। हुजूर क्या खुद चाहते हैं कि मेरे गुस्ताख को? और हम भी यही चाहते हैं कि फ्रांस के अंदर सुबह से पहले वो कत्ल हो जाना चाहिए। जेड़े उदे इत्थे यार हन, या अल्लाह उन्हां नूं वी नप लै, ते जेड़े उत्थे उदे यार हन उन्हां नूं वी नप लै। आखिर तो फिर दुआ है ना। अबू जाल के कहने पर उकबा इब्ने अबी मुआयत ने हुजूर के ऊपर ऊंटनी की बच्चेदानी डाली। हुजूर सजदे में थे कि हुजूर के कांधों के दरमियान डाल दिए। सब तो वड्डा इस उम्मत का बदबख्त इंसान हो सी। अजय हिजरत हुजूर ने नहीं की थी, हुजूर सजदे में थे। अबू जाल ने कहा कि वो ऊंटनी सुई है, उसके बच्चेदानी कौन उठा कर लाए जो हुजूर के ऊपर फेंक दे। उकबा इब्ने अबी मुआयत उठा, उसने हुजूर के कांधों के दरमियान डाल दी। हुजूर सजदे में रहे, हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाई और उन्होंने हुजूर के कांधों के दरमियान से उठाई वो। और आपने जो उस वक़्त लफ्ज़ कहे, मैं आपके अदब की इतनी सख्त जो आपने गुफ्तगू की, लोग तो मेरे बारे में बातें करते हैं ना, ये बुखारी के अल्फाज हैं। दसो जद रसूलुल्लाह ते उन्होंने वो गंदगी सुट्टी ते फिर सैयदा और की फरमानियां उन्होंने। दीन नहीं पढ़ा तो फिर दीन पढ़ो, दीन नहीं पढ़ा तो फिर दीन पढ़ो, बैठ कर बक बक ना किया करो। दीन का मिजाज वो है जो मैं बयान कर रहा हूं। अगर किसी को कोई इतराज है, मैं तो कब से कह रहा हूं वो हमसे बात करें, हम बात या टीवियों पर हमें बुलाएं। तुम तो मेरी तस्वीर नहीं लगने देते, इससे दीन रुक जाएगा। दीन अबू जाल के रोकने से नहीं रुका, ना उकबा इब्ने अबी मुआयत के रोकने से रुका, ना अबू लहब के रोकने से रुका, ना उमैया बिन खल्फ के रोकने से रुका, ना उकबा और शैबा के रोकने से रुका, ना वलीद बिन मुगीरा के रोकने से रुका, ना जनाब किसी और के चाहने से। दीन ने एक दिन आना है और पाकिस्तान में इंशाल्लाह आके रहेगा। हाँ, आके रहेगा। हाँ जी, ये दीन आने वाला है। ये आखिरी इचकोले हैं इनके, आखिरी इचकोले हैं। हाँ, ये क्या बात हुई? तुम हुजूर की इज्जत के लिए बात नहीं करते और तुम जनाब अगर मगर कर रहे हो, अगर ये कर ऐसे थोड़ा पैरा हूं मैं। हुजूर खुद चाहते हैं उनके गुस्ताख को कत्ल कर दिया जाए। तुम अपने दुश्मनों को कत्ल करते हो और जब रसूलुल्लाह की बात आए तो तुम्हें पता ही नहीं चलता। फिर हुजूर ने, मैं जो बात करने लगा हूं ना भाई, मैंने क्यों ये बद्दुआ की? हुजूर ने तो दुआए जलाल फरमाई ना, जब रसूलुल्लाह उठे ना सजदे से। ये बुखारी शरीफ के अंदर किताबुल वुजू के अंदर हदीस है, हुजूर जब सजदे से उठे ना, वयुहीलु बादहुम अला बादिन, वो हंस हंस के एक दूसरे पर गिर रहे थे कि हमने हुजूर पर इतनी गंदगी डाल दी। तो मेरे आका ने जैसे ऐसे देखा ना, तो मेरे आका ने हाथ उठा दिए और दुआए जलाल फरमाई। क्या हाथ उठाए? अल्लाहुम्मा अलैका बि कुरैश सलास मर्रात। हुजूर ने तीन मरतबा ये दुआ की, या अल्लाह ना सारे कुरैशियों नु नप ले। हुजूर ने ये दुआ, फिर जब ज्यादा हंसने लगे ना, तो फिर हुजूर ने कहा या अल्लाह अबू जाल नु भी नप ले। उत्बन वो सारे बैठे सन सरदार, या अल्लाह अबू जाल नु भी नप ले, उत्बन नु भी नप ले, शैबा नु भी नप ले, वलीद नु भी नप ले, उमैया नु भी नप ले, उकबा इब्ने अबी मुआयत नु भी नप ले, आमिर बिन मुगीरा नु भी नप ले। ये सत सरदार सन सत। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाने ने, वो दुआ भी मैनू याद सी तो फिर बदर भी मैनू याद आया। हाँ जी, फरमाया सत्तां दे सत्ते कतल हो गए। ये रस्ते कतल ना होया, कैदी हो गया। उकबा इब्ने अबी मुआयत कैद हो गया, बाकी तो कतल हो गया ना। ये रस्ते जब रसूलुल्लाह दे सहाबा नु रस्सी बन के मदीना पाक ले जा रहे सन बतौर कैदी, 70 कैद हो गए काफिर, उन्होंने ये भी सी। जब रस्ते च रसूलुल्लाह ने इरको जिबिया के मकाम पर वेख्या ना एंज ए वल, तो रसूलुल्लाह की मुबारक फिर अखों में जलाल आ गया। हजरत आसिम बिन साबित इब्ने अबी अफलाह, ये वो साहबी जिन्हें औस वाले, ओहो औस वाले नाज करते होंगे सन। इन्हों सुलाफा नामी औरत के बच्चे मारे सन मैदान ओह, उन्हें फिर मन्नत मनी सी भाई
आसिम जे मेरे ढा चढ़िया ना तो मैं उसकी खोपड़ी शराब पीवांगी। जब हजरत आसिम शहीद होने लगे ना तो उस वेले फिर दुआ मंगी, उन्हें कहा या अल्लाह मैनू इन्हें शहीद तो कर देना है लेकिन मेरा सिर गैरा नू ना देवी, मेरा सिर गैरा नू ना देवी, हाँ मैं इस सिर ने तेरे हबीब की इज्जत उत्ते बड़े काम किए ते या अल्लाह जे इस सलाफा नामी औरत ने मेरी खोपड़ी शराब पी ली तो फिर गल केड़ी रहनी। आप जदों शहीद हो गए ना तो सिर कट्टन आए तो अल्लाह ने शायद दी मक्खियां भेज दित्तियां, शायद दी मक्खियां आईयां उन्हें पूरा लश्कर बजा दिता। और जदों आवन शायद दी मक्खियां आ जान, जदों रात पई तो रब ने बारिश नाजिल कर दी, बारिश इतनी ज्यादा हुई कि आप दी मुबारक लाश पूरा पानी चुक के लै गया। ये औस आले इहदे ते उत्ते जनाब फखर कर दिया है खजरत दे उत्ते, साढ़े कोल आसिम है, तुहाड़े कोल आसिम है, नाज करते सन। दो कबीले सन ना मशहूर, औस ते खजरज, ये औस दे विचों सन। ते औस वाले कहंदे सन साढ़े विच आसिम है, मैनु मन हमत व दबरो, फरमाया उन्हां दी शायद दी मक्खियां ने हिफाजत की थी, तू तुहाड़े विच कोई इहो जिहा है? तो कहंदे सन नहीं। उन्हें कहा साढ़े विच इहो जिहा जणा है। ये वह सहाबी हैं, मैं बाद विच इन्हां नाल वाकया होया ना, ये तो बाद विच होया जब आप दी शहादत हुई से कट्टण आए सिर। उस मौके पर हजूर ने दसो ऐ हजूर का जलाल है दुश्मनों के बारे, गुस्ताखाने रसूल के बारे। हजूर ने जब वेख्या ना कि वह बंदा है जिन्हें मेरे तो बच्चे दाणी सुटी सी, हजूर ने फरमाया हजरत आसिम ने फरमाया इहदी गर्दन ला दे। जंगी कैदी कतल नहीं आते लेकिन रसूल अल्लाह ने फरमाया गुस्ताखे रसूल इन्हू कतल कर। उन्हें जदों कहा ना कि मन ले सबीयत है मेरे बच्चों का क्या बनेगा, हजूर ने फरमाया अन्नार, तेरे बच्चे जाए जहन्नम में, इसको कतल करो मेरे सामने। उदो तैनू बच्चों का ख्याल नहीं सी जदों तू रसूल अल्लाह ते उजरियां सुट रहे सी, गन सुट रहे सी। बच्चे पहले याद होने चाहिए, बाद में जब बंदा काबू आ जाए तो फिर तौबा तौबा मेरी माफ़ी, ये सारी बातें पहले होनी चाहिए। जब उसने कहा ना कि मन ले सबीयत है, हुज़ूर ने एक ही बात फरमाया नार, फरमाया जहन्नम में जाए सारे, इसको कत्ल करो मेरे सामने। तीन गुस्ताखान को रास्ते में कत्ल कर दिया, इसकी तो माफी ना रास्ते में आया ना काबे के साथ लटकते हुए। हाँ, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा।